छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में आज स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा किया गया। संवाद कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए बस्तर सरगुजा में भी लोगों से संवाद करेंगे, वहां जाकर लोगों से सुझाव व विचार लेंगे ताकि सभी का सहयोग मिले और हम सब मिलकर एक बेहतर डॉक्यूमेंट तैयार कर सके। ये हमारे विजन को व्यापकता प्रदान करने में मदद करेगा। बस्तर में सरगुजा में भी हम कंसल्टेशन करें, वहाँ की नीड्स क्या हैं, वहाँ के एस्पिरेशंस क्या हैं, वहाँ के लिए क्या डिफरेंट मॉडल हो सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो सकता है। बजट में जैसे हमने GDP डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स की बात की है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग एरिया के सोच को, अलग अलग तरह के लोगों के सोच को, जैसे आज कृषकों से, युवाओं से, नारी शक्ति से, प्रबुद्ध जनों से यहाँ पे कंसल्टेशन किया जा रहा है। इस तरह का कंसल्टेशन बस्तर में, सरगुजा में, अन्य अलग अलग क्षेत्रों में भी किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर से पार्टिसिपेटरी अप्रोच में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एक बेहतर विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में जो भी सरकारें रहेंगी 2047 तक, जो भी मुख्यमंत्री मंत्री रहेंगे, उनको भी एक सबको एक एक लाइट मिल सके, एक रोड मैप मिल सके, इसके लिए एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बने। इसके लिए हर तरह के लोगों के, समाज के हर तरह के वर्ग की साझेदारी और उनकी उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये काम सभी के सलाह से किया जा रहा है और सब लोग बहुत हर्ष की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के ख्याति लब्ध लोग आज की इस वर्कशॉप में सम्मिलित हुए हैं। उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन से निश्चित रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में मदद जी सर एक ये है कि महतारी वंदन योजना